मीठा एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में शाम 6 बजे तक 64% मतदान। हिंसक झड़पों के बीच बंगाल में फिर बम्पर वोटिंग। लोकसभा चुनाव 2019 के चौथे चरण के तहत आज उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों की 71 लोकसभा सीट पर मतदान हुए। शाम 6 बजे तक करीब 64% मतदान हुआ था। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 76% मतदान हुआ। कई राज्यों में लोकतंत्र के खूबसूरत रंग देखने को मिले, तो कहीं हिंसक झड़पों के कारण माहौल गर्म भी नजर आया। इस दौरान मुंबई की लोकसभा सीट पर फिल्मी सितारों की खूब धूम रही। देश भर की कई दिग्गज हस्तियां भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बार कन्हैया कुमार, गिरिराज सिंह, पूनम महाजन, उर्मिला मातोंडकर समेत कई उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में बंद हुई। एक तरफ पश्चिम बंगाल में कई मतदान केंद्रों पर हिंसा की घटनाएं हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, जबकि केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो कार में तोड़फोड़ हुई। वहीं ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा महाराष्ट्र में ईवीएम में तकनीकी खराबी के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे मतदान में देरी हुई। शाम 6 बजे तक कहा कितनी वोटिंग। मध्य प्रदेश 65.77%, बिहार 58.90%, महाराष्ट्र 58.23%, पश्चिम बंगाल 76.44%, राजस्थान 64.50%, झारखंड 63.39%, उत्तर प्रदेश 57.58%, जम्मू कश्मीर 9.79%, ओडिशा 68%। इतनी वोटिंग अब तक देश भर में हुई है। आप प्रत्याशी अतिशी का वीडियो वायरल, गुंडे को वोट दे देना पर भाजपा को नहीं। दिल्ली की पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। इस वीडियो में आतिश भाजपा कैंडिडेट के सामने गुंडा खड़ा हो तो उसे वोट दे देना, लेकिन भाजपा को नहीं कहती नजर आ रही है। भाजपा नेता तेजेंद्र पाल बग्गा और कुछ दूसरे सोशल मीडिया यूजर्स ने ये वीडियो शेयर करते हुए उनके ऐसा कहने पर सवाल उठाया है। वीडियो क्लिप में आतिशी कह रही है, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी पार्टी को वोट दे जो भाजपा को हरा सके, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पूरे देश में ऐसी कोई अकेली पार्टी नहीं है जो भाजपा को हरा सके। कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अलग अलग राज्य में भाजपा से लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन को ही ले लीजिए, वही भाजपा को हरा सकता है। मध्य प्रदेश में नक्सलियों ने फूंकी निर्दलीय प्रत्याशी की गाड़ी। भारत में नक्सलवाद के खात्मे के तमाम दावे के बाद भी आए दिन नक्सली हमलों की घटनाएं सामने आती रहती है। सुरक्षा के तमाम इंतजामों के बाद भी चुनाव के दिनों में नक्सली हमलों के मामले सामने आ ही जाते हैं। नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की पोल भी ऐसे मामले में खोलते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट सिवानी सांसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक किशोर समृद्धि के काफिले पर भी कथित तौर पर नक्सली हमले का मामला सामने आया है। नक्सलियों ने किशोर समृद्धि की गाड़ी को आग के हवाले भी कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 2 बजे रात की बताई जा रही है। तो एमएनएस न्यूज की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।